हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है नई दिल्ली भागलपुर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाए। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है नई दिल्ली भागलपुर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से भागलपुर के बीच में चलती है और ये वीकली ट्रेन है। ये हर मंगलवार को नई दिल्ली से भागलपुर के लिए रवाना होती है और ये 20 घंटे 30 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 13 स्टेशन हैं। 1220 किलोमीटर की नई दिल्ली से भागलपुर की जो दूरी है ये कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें इसके कोचेस के बारे में तो इसमें ICF के नॉर्मल कोचेस दिए गए हैं और ये जो ट्रेन है हर मंगलवार को ही नई दिल्ली से भागलपुर के बीच में चलती है। अगर हम बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो इसमें सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। सेकंड AC का जो किराया है नई दिल्ली से भागलपुर तक का, मैं ये आपको किराया बता रहा हूँ। सेकंड AC का जो नई दिल्ली से भागलपुर तक का किराया है वो है 2100 रुपये, जिसमें GST चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर चार्ज शामिल है। थर्ड AC का जो किराया है वो है 1455 रुपये। स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं लगता, बाकी सारे चार्जेस शामिल होते हैं। स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 550 रुपये। इसके अलावा जनरल अनरिजर्व डिब्बों का जो किराया है वो है 305 रुपये के करीब। ये किराया अपडेटेड किराया नहीं है। आप अपडेटेड किराया जानने के लिए रेलवे की वेबसाइट जरूर रेफर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नई दिल्ली भागलपुर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, इस ट्रेन का जो नंबर है वो है 12350 और ये नई दिल्ली से हर मंगलवार को रात के 11:45 पे 12 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 13 स्टेशन हैं। उसके बाद नई दिल्ली भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो कानपुर सेंट्रल में पहुंचती है सुबह 6:05 पे और 6:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है इलाहाबाद जंक्शन में पहुंचती है 8:45 पे सुबह और 8:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद नई दिल्ली भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन या मुगल सराय स्टेशन में पहुंचती है सुबह 11:43 पे और 15 मिनट बाद 11:58 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पटना जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 2:40 पे और 2:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पटना साहिब स्टेशन में पहुंचती है। पटना साहिब में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:12 पे पहुंचती है और 3:14 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बख्तियारपुर जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 3:35 पे और 3:37 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1044 किलोमीटर की दूरी जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मकोमा स्टेशन में पहुंचती है शाम के 4:05 पे और 4:55 पे वहां से रवाना हो जाती है, सॉरी 4:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कियूल जंक्शन में पहुंचती है शाम के 5:35 पे और 5:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर इसका इंजन भी चेंज होता है, इलेक्ट्रिक इंजन से इसका डीजल इंजन यहाँ पर चेंज होता है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अभयपुर में पहुंचती है शाम के 6:18 पे और 1 मिनट बाद 6:19 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद नई दिल्ली भागलपुर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो जमालपुर जंक्शन में पहुंचती है। जमालपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है शाम के 6:42 पे पहुंचती है और 6:47 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सुल्तानगंज स्टेशन में पहुंचती है रात शाम के 7:15 पे और 7:16 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद नई दिल्ली भागलपुर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन भागलपुर जंक्शन में पहुंचती है रात के 8:15 पे और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। नई दिल्ली से भागलपुर जंक्शन की जो दूरी है ये 1220 किलोमीटर की ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों, इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।